लगातार हो रहे अवैध बालू कारोबार के खिलाफ वरीय अधिकारी के निर्देशानुसार गुप्त सूचना के आधार पर गोविंदपुर अंचल अधिकारी धर्मेंद्र दुबे ने दो हाईवा अवैध बालू लदा गाड़ियों को जब्त कर गोविंदपुर थाना लेकर आई है। और वही मीडिया से बात करते हुए अंचल अधिकारी ने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि अरे रात को बहुत सी अवैध बालू लदा हुआ गाड़ियां जो बिना चलान के गोविंदपुर अंचल होते हुए जिले के विभिन्न जगहों पर भेजे जा रहे हैं, उसे क्रम आज रात करीब 10 बजे हमने अपना जांच अभियान चलाया और इस उपरांत दो हाईवा पकड़ा गया और बाकी भागने में सक्षम रहे। यह भी बताया है कि इसकी जानकारी खनन विभाग और वरीय अधिकारी को दे दी गई है और कानूनी प्रक्रिया जारी है। रात में देखिए गुप्त सूचना मिला था कि ये लोग 12 बजे रात के बाद हाईवा से बड़े वाहनों से बिना चालान का अवैध बालू उठाते हैं और उनका कॉमर्शियल पर्पस के लिए जिला या जिला के बाहर बिक्री करते हैं। हाईवा का आदेश है? देखिए वैसे तो आदेश बिना चालान का किसी भी वाहन से आदेश नहीं है, तो ये लोग बिना चालान का, इनके पास कोई चालान नहीं होता है और वो बालू को उठाते हैं और वो उसको बिक्री करते हैं। इसमें किसी को गिरफ्तारी भी हुई? नहीं, हमने दो गाड़ी को पकड़ा, जैसे ही हमने पकड़ा तो ड्राइवर उसका निकल करके भाग गया, फिर हमने थाना को मदद से किसी भी प्रकार से उस हाईवा को वहां से स्टार्ट करके और थाना पहुंचाया गया। ये प्रतिदिन का चालान है, परिवहन होते रहता है, रात भर आप देखते होंगे कि